तो ग्रैनी ने शहर के घरों और गाड़ियों पर कर दिया है हमला, क्योंकि फ्रैंकलिन ने ग्रैनी की छोटी बहन पर हमला कर दिया था और उसे मार दिया था, जिस वजह से ग्रैनी बहुत गुस्से में आकर इस शहर के लोगों को उठाकर अपने भूतिया घर में ले जाकर उन्हें वहां पर मार दे रही है। तो क्या फ्रैंकलिन हमें इस ग्रैनी से बचा पाएगा? हाँ हाँ ठीक है, जा रहा हूँ इस नौकरी को छोड़कर, अपनी नौकरी ना अपने पास ही रख ले। वैसे भी मैं बहुत दिनों से यही सोच रहा था कि इस नौकरी को मैं कैसे छोड़ूं। अच्छा हुआ जो तूने मुझे आज बोल दिया, वरना मैं खुद ही इस नौकरी को रिजाइन करने वाला था। खैर छोड़ो दोस्तों, मैं अपनी नौकरी को तो छोड़कर आ चुका हूं और मैं अपने घर जा रहा हूं, क्योंकि ऐसी नौकरियां ना मुझे डेली मिल जाती है। तो जल्दी से मैं अपने घर जा रहा हूं और नई नौकरी जल्दी से मैं ढूंढ लूंगा। फाइनली मैं अपने घर तो आ चुका हूं और मैंने यहां पर अपनी बाइक को लगा दिया है। अब थोड़ा सा आराम कर लेते हैं यार, नौकरी ढूंढेंगे कल, तो जल्दी से मैं सो जाता हूं। अरे यार वहां पर तो बड़े आराम से बोल दिया कि मेरे को ऐसी नौकरियां बहुत मिल जाएंगी, लेकिन अब इतनी टेंशन हो रही है कि मेरे को नींद ही नहीं आ रही है। एक मिनट, एक काम करता हूँ, अपने दोस्त को फोन करता हूँ यार, वो इस सिचुएशन में मेरी जरूर कोई ना कोई हेल्प कर देगा और मुझे कोई ना कोई नौकरी जरूर दिला देगा। हेलो माइकल बोल रहा है क्या? हाँ मैं माइकल बोल रहा हूँ, क्या हुआ फ्रैंकलिन, कुछ काम था क्या, इतनी रात को कैसे फोन कर दिया? अरे यार माइकल, यार मुझे एक बहुत जरूरी काम है तुमसे। वो एक्चुअली क्या है ना कि मेरे ऑफिस में कुछ लड़ाई हो गई थी, जिससे यार उन्होंने मुझे नौकरी से ही निकाल दिया और मुझे दूसरी नौकरी नहीं मिल रही है। कुछ मेरी मदद कर सकते हो यार, तो मेरी एक नौकरी लगवा दो। फ्रैंकलिन मैं तुम्हारी नौकरी लगवा तो दूंगा, लेकिन वो नौकरी बहुत रिस्की है। अरे यार कोई बात नहीं माइकल, कैसी भी नौकरी चलेगी, कुछ भी मैं कर सकता हूँ। ठीक है, तो फ्रैंकलिन तुम्हारे पास एक बाइक है? हाँ माइकल मेरे पास बाइक तो है। तो बस उस बाइक को लेकर जुरासिक पार्क के पीछे एक हॉन्टेड वाली जो जगह है ना, वहाँ पर आ जाओ। आगे का काम मैं तुम्हें वही बता दूंगा कि तुम्हें क्या करना है। हॉन्टेड, ठीक है चलो यार, चलो नौकरी तो है ना? हाँ नौकरी है, बस तुम वहाँ पर जल्दी से आ जाओ। ठीक है चलो, मैं हॉन्टेड वाली जगह पर अभी तुरंत पहुँचता हूँ। तो यार फाइनली फोन तो कट चुका है, लेकिन माइकल ने मुझसे बोला था कि जुरासिक पार्क के पीछे किसी हॉन्टेड वाली जगह पर आना है। यार ऐसी कैसी नौकरी है जो इतनी रात में वो मुझे उस टाइम पे वहां पे जाने के लिए बोल रहा है। खैर छोड़ो यार, अभी मेरे पास कोई भी ऑप्शन नहीं है, क्योंकि मेरे पास अभी कोई नौकरी नहीं है, और अगर ये नौकरी भी हाथ से चलेगी तो मुझे नहीं लगता कि कोई मुझे नौकरी देगा, क्योंकि जो मेरे ऑफिस का जो बॉस है ना, वो बहुत ही पावरफुल है। उसने पहले ही सारे लोगों को मना करवा दिया होगा कि मुझे जॉब ना दे। खैर छोड़ो यार, हम लोग किसी से डरते भी नहीं है, और हॉन्टेड वाली जगह तो क्या हुआ, भूत वूत थोड़ी ना होगा वहाँ पे। खैर कोई बात नहीं यार, हमें बस जुरासिक पार्क के पीछे आना, जल्दी से मैं चलता हूँ। तो फाइनली यार मैं उस हॉन्टेड वाली जगह के पास आ तो चुका हूँ, लेकिन यहाँ पे मेरा दोस्त तो नहीं है, लेकिन उसका फोन आया था और उसने मुझे बोला है कि बस मेरे को यहाँ पर रात में पहरा देना है कि कोई आ तो नहीं रहा है इस कब्रिस्तान में। हाँ दोस्तों ये कब्रिस्तान है, और मेरे दोस्त ने बस मेरे को यही बोला है कि मेरा यही काम है कि मेरे को बस देखना है कि कोई आता तो नहीं है इसमें रात के टाइम, क्योंकि कुछ टाइम पहले इस जगह पर इतनी सारी चोरियां होती थी ना हर रात, इसलिए मेरे को ड्यूटी पर रखा गया है। और उन्होंने भाई सैलरी रखी है एकदम 1,00,000 रुपए, मतलब सिर्फ इतने से काम के लिए मेरे को बस पहरा देना है, उसके लिए मेरे को कोई 1,00,000 रुपए क्यों देगा। मुझे थोड़ी सी तो गड़बड़ लगी थी, लेकिन कोई बात नहीं, मैंने सोचा कि यार काफी ज्यादा है, मेरे पास वैसे भी जॉब है नहीं, और ये वाली नौकरी अगर हाथ से चली जाती तो सच में यार मेरा क्या ही होता। लेकिन आप देख सकते हो यार ये पेड़ कितना पुराना था। पहले मैं चारों तरफ देख लेता हूँ दोस्तों कि पहले से ही इसके अंदर कोई है तो नहीं, उसके बाद मैं गेट बंद कर दूंगा, उसके बाद इसके अंदर कोई नहीं आ पाएगा। और ये कब्रिस्तान है, आप देख सकते हैं इतनी सारी कब्र बनी हुई है। तो मैं पूरा एक बार एक्सप्लोर कर रहता हूँ कब्रिस्तान की, कहाँ कहाँ से रास्ता है इसके अंदर आने की, क्योंकि मेन रोड से तो हम लोग आए हैं, और कोई रास्ता हो तो देख लेते हैं। लेकिन उससे पहले ये क्या लिखा हुआ है इन कब्रों के ऊपर, एक सेकंड एक मिनट हम देख लेते हैं कि इनके ऊपर कुछ लिखा हुआ है। और 1756 लिखा हुआ है, और डियर वाइफ एंड मदर, क्या मतलब वाइफ एंड मदर दोनों इधर ही, समझ में नहीं आया। खैर कोई बात नहीं यार, और ये क्या भाई आगे घर भी है, तो इस घर के पास मुझे चलना चाहिए। ये क्या है इसके पास, मुझे कुछ तो दिख रहा भाई, कुछ तो है, हिल रहा है वो, मुझे प्रॉपर समझ में नहीं आ रहा है, शायद कोई चीज होगी, कोई जानवर होगा जो घर के अंदर जा रहा है, इतना डरने वाली बात है नहीं। ठीक है तो हम लोग ने पूरा का पूरा ये कब्रिस्तान एक्सप्लोर कर लिया है, और इसके अंदर कुछ है नहीं, अब बस ये घर है, इसको अंदर से देखना है कि कोई इसके अंदर तो नहीं बैठा हुआ है। तो मैं फाइनली इस घर के गेट के पास तो आ गया हूँ, तो अब इस गेट के अंदर ही एंटर करते हैं। और ये एकदम खाली, ओ भाई ये क्या है,
ये तो भूत तो नहीं लग रहा है, ये कोई बच्चा है या कोई लड़की टाइप है। यार ये क्या भाई, ये तो मेरे पीछे ही पड़ गई है। ओ भाई मेरे को मारना पड़ेगा इसको, भाई पहले भागता हूँ यार वरना ये मेरे को मार देगी। अरे यार इस पे बंदूक भी नहीं लग रही यार, मुझे पहले दूर भागना पड़ेगा। अरे भाई साहब कोई बंदूक कोई भी RPG कुछ भी नहीं लग रहा यार इसके ऊपर, और ये मेरे पैरों के पीछे पड़ गई है। मेरे एक मिनट, एक काम करता हूँ ऊपर चढ़ जाता हूँ। हाँ अब वो नीचे है, अब शायद मैं उसे मार पाऊंगा। रुक जा, कहाँ है तू, रुक जा पहले मैं उसे मार देता हूँ उसके बाद देखते हैं। आजा बेटा बाहर आजा। हाँ ये रही, रुक जाओ दोस्तों मैं ऐसे पूरा मार कर ही मानूंगा। ये हो चुकी है खत्म फाइनली यार, ये वाली लड़की तो मार दिया और मैं इस जॉब को नहीं कर सकता यार। ये कोई इंसान नहीं, ये भूत था सच में। मुझे यहाँ से भागना पड़ेगा और मुझे काफी डर भी लगने लगा है, तो मैं तो ये जॉब छोड़कर जाने वाला हूँ। भले 1,00,000 रुपए सैलरी हो या 2,00,000, अपनी जान से ज्यादा तो नहीं है ना दोस्तों। ठीक है मैं तो भाग चुका हूँ। कल रात जो भी मेरे साथ हुआ मुझे तो ऐसा लगा कि वो एक सपना था, लेकिन दोस्तों वो एक सपना नहीं था, वो रियल चीज थी। वो एक भूत नहीं थी क्या यार, मुझे तो अब भी नहीं समझ में आ रहा है। खैर छोड़ो यार, मैं अपने दोस्त को जल्दी से फोन कर लेता और बता देता हूँ कि क्या क्या हुआ है। हेलो माइकल, क्या तुम बात कर रहे हो? हाँ फ्रैंकलिन, क्या हुआ? मैंने जो बताया था वो तुम गए थे वहाँ पर? माइकल मैं गया तो था लेकिन मेरे साथ बहुत ही बुरा हुआ है। फ्रैंकलिन क्या हुआ तुम्हारे साथ, तुमने वहाँ पे कुछ किया तो नहीं? एक्चुअली हुआ ये कि मेरे पीछे कोई भूतनी पड़ गई थी यार, जिसने मेरे पैर को एकदम अपने मुंह में दबाई लिया था, तो उस चक्कर में मेरे को उसे मारना पड़ा, उसको गोली मारनी पड़ी। क्या? ये तुमने क्या किया? अब उससे इस सिटी में आने से कोई नहीं रोक सकता। कैसे नहीं रोक सकता माइकल? फ्रैंकलिन अब तुम अपनी अगर जान को बचाना चाहते हो तो मैंने तुम्हारे फोन पर एक लोकेशन भेज दी, उस घर पर जाके तुम रह लो, क्योंकि इस घर पर वो कभी भी आ सकती है। लेकिन कौन आ सकती है माइकल? अरे ग्रैनी आ सकती है। ग्रैनी? अरे यार इसने तो फोन काट दिया, लेकिन यार इसने मेरे को एक लोकेशन भेजी है उस घर की, और उसने मेरी, यार माइकल ने मेरे से बोला कि उस घर में अगर मेरे को बचना है तो उस घर में चला जाऊं। और रात के इंसिडेंट के बाद मुझे लगता है यार कि कुछ तो ऐसा हुआ है, क्योंकि रात भर से मेरे को नींद नहीं आई और मुझे बहुत अजीब अजीब सपने आ रहे, जैसे कोई लेडीज मेरे पीछे पड़ी है, कोई ग्रैनी टाइप की मेरे पीछे पड़ी है, एक डंडा है उसके हाथ में। खैर छोड़ो यार, ये वाले घर की लोकेशन माइकल ने मेरे को बताई थी। और ये क्या भाई, ये गाड़ी ऐसी किसने खड़ी करी हुई है? पता नहीं यार किसने करी है, मुझे तो नहीं समझ में आ रहा, लेकिन ये घर है। उसने मेरे को ये वाले घर की लोकेशन दी थी और घर मेरे सामने आ चुका है, तो यार मैं अपनी बुलेट को ना इस घर के अंदर ही ले जाता हूँ डायरेक्ट, हाँ यहाँ पर खड़ी कर देता हूँ। और मैं जल्दी से यार, अब मैं बहुत रात में सोया भी नहीं हूँ तो अब मेरे को बहुत नींद आ रही है, तो मैं सोच रहा हूँ क्यों ना मैं सो जाऊँ, उसके बाद देखते हैं कि कल क्या होता है, क्योंकि यार अभी मुझे थोड़ा सा डर भी लग रहा है। तो फाइनली मैं सो जाता हूँ। अरे यार ये कैसी आवाज़ें आ रही है यार, मुझे तो बहुत डर लग रहा है, एकदम बहुत डरावनी आवाज़ है। रुको यार मैं अपने दोस्त को फ़ोन करता हूँ, भाई मुझे बहुत डर लग रहा है। तो यार उसका नंबर, हाँ यही नंबर था उसका, हाँ लग चुका है। हेलो माइकल, क्या तुम सुन सकते हो? यार मुझे बहुत डर लग रहा है यार, मेरे घर के सामने कोई आ चुका है इतनी रात में। फ्रैंकलिन डरो मत तुम, मैं तुम्हें एक नंबर देता हूँ एक बाबा जी का, उनसे तुम अभी अगर बात कर लोगे तो तुम्हारा डर शांत हो जाएगा, और कल सुबह होते होते तुम उनसे मिलने जरूर चले जाना, वो तुम्हारी मदद कर सकते हैं और इस मामले में वो तुम्हें बचा सकते हैं। लेकिन अभी क्या करूं? अभी मैं तुम्हें बस नंबर दे रहा हूं, उस नंबर पर जैसे तुम बात कर लोगे तो तुम्हारा जो डर है ना वो कंट्रोल हो जाएगा। ठीक है माइकल। हेलो बाबा, फ्रैंकलिन बोल रहे हो? हाँ मैं फ्रैंकलिन बोल रहा हूँ। तुम्हें कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है, मुझे सब पता है कि तुम्हारे साथ क्या क्या हो चुका है और तुम किस सिचुएशन में फंसे हुए हो, बस मैं जो कहता हूँ वो तुम सुनते जाओ। कल सुबह सूरज से पहले तुम्हें एयरपोर्ट की जो बिल्डिंग है उसकी छत पर आना पड़ेगा, वहाँ मैं तुम्हें कुछ ऐसा दूंगा जिससे तुम इस चीज़ से बाहर निकल सकते हो। लेकिन बाबा अभी क्या करूँ, अभी मुझे बहुत डर लग रहा है। अभी तुम्हें कुछ नहीं करना, बस आँखें बंद करके सो जाना, और जैसे ही तुम मेरा नाम लोगे तुम्हें नींद आ जाएगी और तुम्हारी आँख सीधे सुबह खुलेगी। ठीक है बाबा। तो यार बाबा का फोन तो कट चुका है, लेकिन बाबा ने मुझे जो नाम बताया ना उसको मैं कोशिश करता हूँ सोते टाइम लेने की, देखते हैं नींद आती है या नहीं आती है। तो फाइनली यार वो जो बाबा का नाम था ना उससे नींद तो आ गई और डायरेक्ट मेरी आँख सुबह खुली, लेकिन सुबह का ये मौसम कैसा हो रहा भाई, इतना सारा धुआं कहाँ से आ चुका है। लेकिन यार सब कुछ छोड़ते हुए मुझे एयरपोर्ट जाना पड़ेगा, उसके पास एक बिल्डिंग है उसके ऊपर उन बाबा ने मुझे बुलाया था, यही कहीं था। तो हाँ ये रहे वो बाबा। अच्छा तो तुम हो फ्रैंकलिन? बेटा
ना तुम्हारी वजह से ना इस पूरी सिटी पर कब्जा कर लिया है उस ग्रैनी ने। अगर तुम इस सिटी को और अपने आप को बचाना चाहते हो तो तुम्हें मेरी बात ध्यान से सुननी पड़ेगी। मैं तुम्हें एक ऐसी चीज दूंगा उसे तुम उस हॉरर हाउस पर जाकर लगा दोगे। उसके बाद अगर तुम उसका बटन दबा दोगे तभी ये ग्रैनी ना इस पूरी सिटी और तुम्हारी लाइफ से जा पाएगी। क्या तुम समझ पा रहे हो फ्रैंकलिन? हाँ बाबा, लेकिन वो क्या चीज है? वो चीज मैं तुम्हें बताऊंगा नहीं कि उसका नाम क्या है, बस मैं तुम्हें दे दूंगा और तुम्हें उस हॉरर हाउस पर जाकर वो चीज रख देनी है। बाकी काम अपने आप हो जाएगा। ठीक है बाबा, बताइए मुझे कब जाना है। तुम बस अभी उस हॉरर हाउस की तरफ निकल जाओ और जैसी पहुंचो बस मुझे एक फोन कर लेना। ठीक है बाबा जी। तो फाइनली यार बाबा से तो मेरी बात हो चुकी है और उन्होंने मुझे पता नहीं क्या दिया है, जो भी दिया है कुछ ग्रीन ग्रीन कलर का है, लेकिन उन्होंने मुझसे बोला है कि इसको मुझे देखना नहीं है, बस सीधा उस हॉरर हाउस पर जाकर वहां पर रख देना है। तो ठीक है, हम लोग अपनी बाइक से नहीं यार, क्योंकि हॉरर हाउस काफी दूर है, तो हम जो सामने आप एरोप्लेन देख रहे हैं ना ब्लू कलर का, इससे हम लोग जाने वाले हैं। तो फाइनली मैं इसके अंदर जल्दी से बैठ जाता हूं। तो फाइनली यार मैं बैठ चुका हूं और मैंने प्लेन को उड़ाना स्टार्ट कर दिया है। तो प्लेन उड़ता उड़ता काफी दूर आ चुका है और हम बस हॉरर हाउस पहुंचने वाले। तो फाइनली यार मैं हॉरर वाले हाउस पर पहुंच चुका हूं और यहां पर जो चीज मेरे पास है बस उसको मेरे को हर जगह पर लगा देना है। तो मैं जल्दी जल्दी से सारी की सारी जगह पर ये वाली जो चीज है ना इसको मैं लगा दे रहा हूँ। उसके बाद मेरे को बाबा का फोन करना है, उसके बाद इसका जो बटन है मेरे पास उसको मैं दबा दूंगा। तो दोस्तों जल्दी से मैं इसको सारी जगह पर लगा देता हूँ। तो फाइनली यार मैंने उस चीज को लगा दिया है, अब बस मेरे को बाबा का फोन करना है। उनको भी मैंने फोन कर लिया और उन्होंने मुझे बोला है कि इस बटन को बस दबा दो। तो मैं जल्दी से इस बटन को दबा देता हूँ और ये फाइनली पूरा का पूरा फट चुका है और फाइनली यार उसके हॉरर हाउस में आग लग चुकी है जिससे ग्रैनी भी मर चुकी है। तो फाइनली दोस्तों यार ग्रैनी के मरते पूरी की पूरी सिटी में जितना भी कोहरा था ना, फॉग था ना, वो हट चुका है और इसी के साथ ग्रैनी का अंत हो चुका है। लेकिन ये क्या हो रहा है? अरे भाई साहब, मौसम तो वैसा हो चुका है लेकिन डरने वाली बात नहीं है क्योंकि ग्रैनी तो इस शहर से जा चुकी है।